राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के पुराना परिसर में अधिवक्ताओं ने बालासोर और उड़ीसा में हुए भयानक रेल हादसे में जिंदगी गंवाने वाले लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर पुष्पांजलि अर्पित की। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन LILU और जोधपुर के पदाधिकारी एडवोकेट किशन वेवाल ने बताया कि रेल हादसे की वजह से पूरा देश शोक के माहौल में है। गंभीर हादसे में 200 से अधिक लोगों की जिंदगी चली गई, जिससे आम जनता की तरफ से 2 मिनट का मौन रखकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। अधिवक्ताओं ने जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और भविष्य में रेल हादसे को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की मांग की है। पुष्पांजलि कार्यक्रम में एडवोकेट रवि शेखर थानवी व एडवोकेट जतन सिंह भाटी व एडवोकेट कमल सिंह राठौर व एडवोकेट कमलेश राठौर, आशा मीना व श्वेता कडेला समेत अन्य अधिवक्ता शामिल रहे। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के आह्वान पर जोधपुर हाईकोर्ट के पुराना परिसर में अधिवक्ताओं ने आज बालासोर रेल हादसे के शिकार लोगों को याद किया। इस मौके पर 2 मिनट का मौन रखा और उनकी याद में पुष्पांजलि अर्पित की गई। और अधिवक्ता समुदाय ने सरकार से मांग की है कि जिस प्रकार का दुखद हादसा है, बहुत ही भयानक हादसा हुआ, इससे पूरा देश शोकाकुल है, और इस मौके पर हम मांग करते हैं कि जो भी दोषी लोग हैं, हादसे के जिम्मेवार लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और भविष्य में इस प्रकार के हादसे न हो, इसके लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। किशन मेघवाल, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन।